नमस्कार दोस्तों, संडे का दिन 2 जुलाई 2023 न्यूयॉर्क की सुबह से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। यही नहीं, आज की वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल के रख सकती है। हमारे YouTube चैनल पे निकारागुआ की वीडियोस खत्म, फाइनली जो आखिरी वीडियो बची थी वो मैंने डाल दी। एक एल सेलोडोर की पुरानी वीडियो बची थी वो भी डाल दी। अब आने वाली वीडियोस होंगी कोस्टारिका, पनामा और कैरिबियन की। संडे की सुबह तो सब कुछ बंद पड़ा है, इसलिए अपन एक बार इधर बैठते हैं। 2018 में कॉलेज से पास आउट होने के बाद मैंने कोई भी जॉब या कुछ भी नहीं करा, ना ही मैंने घर से कोई पैसे लिए पिछले 4-5 सालों में। और इसीलिए आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि भी ये जो मैं ट्रैवलिंग करता हूँ इसके पैसे मैं कहाँ से लाता हूँ, ये एक्सपीरियंसेस कैसे जीता हूँ, ट्रैवलिंग करनी कैसे सीखी, ट्रैवल के टाइम नए नए दोस्त कैसे बनाता हूँ, मेरे ट्रिप्स कौन स्पॉन्सर करता है और ये वो। आप में से काफी लोग मेरी इस ट्रैवल लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा इंप्रेस रहते हैं और पूछते हैं कि भी आप भी ये जिंदगी कैसे जी सकते हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में आप सीखोगे कि दुनिया घूमे कैसे, और सिर्फ घूमे ही ना, क्योंकि घूमने में तो खर्चा बहुत आता है, दुनिया घूम के पैसे कैसे कमाए, तो बेसिकली जिंदगी की मौज कैसे ले। फिलहाल मैं आ गया ट्रेन स्टेशन ट्रेन लेने के लिए मैनहट्टन की। और आप सभी लोग जानते ही हो, रोज चैनल खोल खोल के देखते थे लोग, मेरे पास मैसेजेस ईमेल्स इतने आए। कुछ लोगों को तो ये भी चिंता थी कि भी मैं ठीक हूँ या नहीं, मैं जिंदा हूँ या नहीं, कुछ गलत तो नहीं हो गया मेरे साथ। ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं पिछले एक महीने से इसी चीज पे लगा हुआ था, आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल काम के लिए इस चीज को तैयार करने में लगा हुआ था। 8-9 दिनों में मेरी ट्रिप खत्म होने वाली है और मैं वापस इंडिया जाने वाला हूँ। और ये जो जिंदगी है ना कि भी ट्रैवल करना, ये इतनी हसीन जो दुनिया हम देखते हैं, ये जो ड्रीम लाइफ बहुत लोगों की, कुछ लोग जो हम जी पा रहे इस पूरी दुनिया में से जो ट्रैवल व्लॉगिंग करते हैं, कई लोग व्लॉग नहीं बनाते वो भी जी पा रहे हैं दुनिया, तो ये ना लोग बताना नहीं चाहते, आम इंसान तक लोग चाहते नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। लोग हमेशा क्यूरियोसिटी में रहे, ये राज हर एक आम आदमी तक नहीं पहुंचना चाहिए कि भी ये जिंदगी कैसे जी जाती है। यूट्यूबर्स इतना तो दिखा देते हैं कि भाई हम कहाँ पे गए, कैसे रुके, कहाँ रुके, लेकिन पीछे की जो स्टोरी है ना वो आम व्यूअर तक कभी नहीं पहुँच पाती। और जो लोग जेन्युइनली, कुछ लोग होते हैं जो मदद करना चाहते हैं आम इंसान की, मतलब इन्फॉर्मेशन या नॉलेज फैलाना चाहते हैं, जो लोग करना चाहते हैं शायद उनके पास या तो जरिया नहीं है, और जरिया है तो शायद वो अच्छे टीचर्स नहीं है कि वो अपने प्लेटफॉर्म का यूज करके लोगों को ये चीज सिखा सके। जो आम ऑडियंस है दे आर क्लूलेस, इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है और कोई भी नहीं है गाइड करने वाला। तो मैंने डिसाइड करा कि फाइनली ये जो मेरी जर्नी रही है उसके जरिए मैं आप सभी लोगों को ये चीज सिखा सकूं कि मेरी तरह आप भी कैसे पूरी दुनिया घूम सकते हैं और उसी चीज से पैसे कमा सकते हैं। ये है न्यूयॉर्क में ग्रेट नेक का स्टेशन, और जो पेन स्टेशन वाली ट्रेन में मेरे को जाना है ये आएगी अभी 7 मिनट बाद। संडे का दिन है तो बिल्कुल खाली पड़ी है आज। तो अब हम आगे न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के बिल्कुल बीचों बीच, एंड आई एम श्योर आप लोग सोच रहे होंगे कि अब मैं आपको लेके जाऊंगा टाइम्स स्क्वायर, वहाँ भी चल पड़ेंगे चलो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह लेके जाने वाला हूँ। मैं आपको लेके जाता हूँ दुनिया की सबसे बड़ी दुकान में। जी हाँ, दुनिया का जो सबसे बड़ा स्टोर है वो यहीं पे है, न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में, और आज मैं आपको वहाँ पे लेके जाने वाला हूँ। मेरी पिछली वीडियो से आप लोग जानते होंगे न्यूयॉर्क पॉपुलर है अपनी ऐसी ऐसी फूड कार्ट्स के लिए, मैंने काफ़ी अच्छे से दिखाया न्यूयॉर्क, आपने पिछली वीडियोस देखी होगी तो अब जानते होंगे। मैं जाने लग रहा हूँ सामने हेराल्ड स्क्वायर की तरफ, और इसी हेराल्ड स्क्वायर पे है दुनिया की सबसे बड़ी दुकान, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर या सबसे बड़ा स्टोर, क्लोथिंग स्टोर, अप्लाइंसेस, कुछ भी कह लो, हर चीज़ मिलती है इधर। जो सबसे बड़ा स्टोर है वो यहीं पे है, और ये देखो सामने, तो ये देखो यही है वो मेसीज। मेसीज दरअसल एक स्टोर है यहाँ पे अमेरिका में। ये देखो, ये इसकी मेन एंट्रेंस है, एकदम रॉयल। कितना भयंकर, कितना मैसिव है ये स्टोर, देखना। ये पूरी एक ही दुकान है, पूरा एक ही स्टोर है, यहाँ से लेके अभी अपन अंदर चलते हैं आपको दिखाऊंगा। मैं गया हूँ इसमें पहले और इसमें भी शॉपिंग करेंगे। बाकी इधर आने के लिए ना पूरा दिन चाहिए होता है, मैं एक बार पहले इधर से पजामे वगैरह लेके गया हूँ, पूरा दिन लग जाता है भाई, और आप ये स्टोर का थोड़ा सा पार्ट भी नहीं घूम पाते। मैं इतना बेवकूफ़ हूँ, आज संडे और सुबह के बजे है 9, और ये जो मेसेज है खुलता ही 11 बजे है, मेरे ध्यान भी नहीं रहा। अभी मैंने गूगल पे देखा तो मेरे याद आया हो ये तो अभी बंद होएगा, पर कोई नहीं, एक बार पास चलते हैं। ये देखो अभी तो ये बंद पड़ा है। आपकी दूर जहां तक नजर जा रही है ना, जहां तक आप इमेजिन कर सकते हो उतनी दूर तक ये स्टोर है मेरे राइट हैंड साइड में। जितनी भी दूर आपको जो भी दिख रहा है वो पूरा यही स्टोर है। और यही नहीं, वो जो आगे जो बिल्डिंग दिख रही है ना वो देखो, उस बिल्डिंग से पहले तक ये सिर्फ स्टोर है। और ऊंचा देखो कितना,
सस्ती से सस्ती ब्रांड से लेके प्रीमियम ब्रांड्स सारी चीज़ें यहाँ पे, और बिल्कुल 34th Street हेराल्ड स्क्वायर के सबवे स्टेशन पे है। आप लोग इमेजिन कर सकते हो स्टोर का जो एरिया है ना वो 2.5 million square feet है। जी हाँ, यानी कि 25 lakh square feet इस पूरे स्टोर का एरिया। ये तो पहले हम उस साइड थे, अब हम इस साइड आ गए। देखो कितना बड़ा यार, मैं पहले 2-3 बार आया हूँ, और अभी क्योंकि इसके लिए एक तो पूरा दिन चाहिए होता है, और अपन सेंट्रल पार्क के टाइम्स स्क्वायर कहीं और चलते हैं। अभी जो चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी ना, यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी। मेरे को दिक्कत होती है जूतों के साइजेज में, इंडिया में मेरी पसंद के जूतों के साइज़ नहीं मिलते, तो मोस्टली जूतों की शॉपिंग, पजामों की शॉपिंग, जो चीज़ें नहीं मिलती मेरे साइज़ की, मैंने पिछली 2-3 बार जब न्यूयॉर्क आया हूँ तो यहीं से करी है। बाकी ये 1901 में बना था, तो इसे बने हुए भी 122 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं हेराल्ड स्क्वायर से टाइम्स स्क्वायर की तरफ वॉक करने लग रहा हूँ, और ये जो क्लेयर्स है ना, अभी ये बंद पड़ा है, हालांकि मैंने अपना एक कान इधर से बिंदवाया था वैसे तो मैं नहीं पहनता कान में, पर बिंदवाया मैंने इधर से ही था। तो मेरा ना सिर्फ एक कान बिंदा हुआ था, ये वाला, मैं इस कान में पहनता था 1 साल से। लेकिन जब अमेरिका घूमने आया ना पिछले साल, तो मेरे को लोग थोड़ा मतलब अलग से वो करते थे ट्रीट। तो मेरे को किसी ने बताया कि भाई इधर मतलब होता है कि अगर आपका एक कान बिंदा हुआ तो इसका मतलब आप गे हो। तो इसीलिए फिर मैंने पता करा कि भी जल्दी से दूसरा कान भी बिंदवाता हूँ, या तो दोनों ना बिंदवाओ या दोनों बिंदवाओ इधर। आमतौर पे इधर ये माना जाता है कि जिसके एक कान में है वो होमोसेक्सुअल है, इसलिए फिर मैंने आके इधर दूसरा कान भी ये वाला बिंदवाया था और इधर से ही इयर रिंग खरीदे थे। ये ना न्यूयॉर्क में ऐसी ऐसी पब्लिक सीटिंग्स वगैरह लगी हुई है, टेबल्स और कुर्सियाँ वगैरह, तो आज संडे का दिन है तो मोस्टली लोग इधर बैठ के आराम से अपनी चाय कॉफ़ी इंजॉय करते मिलेंगे। और दिनों वीकडेज पे यहाँ पे लंच टाइम के अराउंड ज़्यादा भीड़ होती है, और आज संडे है तो मेरे ख्याल से दिन में पूरा दिन ही ज़्यादा लोग दिखेंगे, अभी तो सुबह सुबह हालांकि। इस स्टारबक्स पे एक बार मैं और विताली, जो कि मेरा न्यूयॉर्क का ही दोस्त है, लास्ट टाइम हमने वीडियोस बनाई थी तो इधर से मैंने कॉफ़ी ली थी उसके साथ एक बार। पिछली बार न्यूयॉर्क आया था तो इस फुट लॉकर से मैंने जूते खरीदे थे कॉन्वर्स के, आज तो हालांकि वो मैं पहन के नहीं आया, इंडिया पड़े वो 3 महीने पहले जब न्यूयॉर्क आया था तब लिए थे। और अब ये आ गया फाइनली अपने सामने टाइम्स स्क्वायर। चलो रोड क्रॉस करते हैं, आती ही एकदम वाइट होगी। अच्छा है, वो देखो भाई, संडे मॉर्निंग को टाइम्स स्क्वायर की चकाचौंध। बाकी भाई सही बताओ ना, तो सब कुछ ऐसे लगता है मानो कि एक सपना सा हो, और मैं ना अपनी ड्रीम लाइफ जीने लग रहा हूँ पिछले 4-5 सालों से। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भी इंडिया से बाहर ऐसे घूमूंगा, कभी अमेरिका, कभी यूरोप, कभी अफ्रीका, कभी कहीं, वो भी अपनी खुद की कमाई से, खुद के पैसे से। मैं ना अभी तक 70 देश घूम चुका हूँ, और इन 70 देश घूमने में मेरा खर्चा आया होगा 60-70 लाख रुपए आराम से। लेकिन इन 70 देशों को घूम के मैंने लगभग 1 करोड़ के करीब रुपए कमाए होंगे। जी हाँ, ये सारे एक्सपीरियंसेस जिए, दुनिया घूमी, ये देश घूमे, और साथ में पैसे कमाए, ये सब करके, मतलब अपना सपना जिया, अपनी ड्रीम लाइफ जी, और उसी चीज़ को अपना बिजनेस बनाया और उससे पैसे कमाए। और बाकी भाई कोई सस्ता नहीं है यहाँ पे ट्रैवल करना। मेरी अमेरिका की सिर्फ 1 वे की टिकट यहाँ पे आने तक की 1 लाख रुपए की थी, क्योंकि मैं पैसिफिक में था और वहाँ से ही आया था, और यहाँ से ही मेरी इंडिया जाने की टिकट 1 हफ्ते बाद की ऑलमोस्ट 60,000 रुपए की है। तो भाई बहुत खर्चा आता है, ऐसा नहीं है कि मैं सस्ते में ट्रैवल करता हूँ या बजट पे रहने लग रहा हूँ, खुल के ट्रैवल करता हूँ, मौज लेता हूँ, लेकिन वो सारे पैसे जो मैं काम कर रहा हूँ उसी से कमाता हूँ। और जैसा कि मैंने पहले डिस्कस करा, मेरी ही तरह आप में से काफ़ी लोग भी ये ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और मेरा यकीन कीजिए, ट्रस्ट मी, अगर ये मैं कर सकता हूँ ना तो 1000% आप लोग भी ये सेम ज़िंदगी जी सकते हो या कर सकते हो। और इसीलिए आप लोगों के लिए ये चीज़ पॉसिबल बनाने के लिए मैंने लॉन्च किया अपना पहला कोर्स, हाउ टू गेट पेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड। यकीन मानिए ये सिर्फ 1.5 घंटे का कोर्स है, और इस 1.5 घंटे में आपको ट्रैवलिंग और ट्रैवल बिजनेस से रिलेटेड इतनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दे देगा ना, जितनी आप सारी उम्र यूट्यूब पे बैठ के नहीं ले पाओगे। इसमें मैंने सिर्फ ये नहीं बताया कि भी ट्रैवलिंग कैसे करें, बल्कि ये सब सिखाए कि दुनिया घूम के पैसे कैसे कमाए, और किस तरह कितना पैसा कमाया जाता है ट्रैवल करके, और आप जैसा एक आम आदमी भी ये कैसे कर सकता है। बाकी अभी मैं सेंट्रल पार्क की तरफ वॉक करने लग रहा हूँ टाइम्स स्क्वायर से। आपने भी अगर मेरी वीडियोज़ देखी हो तो एक वीडियो मैंने इधर भी रिकॉर्ड करी हुई है न्यूयॉर्क की, बिल्कुल इधर ही इस इलाके में। तो भाई ट्रैवलिंग और सोशल मीडिया से कैसे और कितनी कमाई होती है, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, टूरिज्म बोर्ड से, पार्टनरशिप्स क्या होती है और कैसे होती है, स्पॉन्सर्ड या फ्री ट्रिप्स या फिर फ्री स्टेज, ये सब क्या होता है और हमें कैसे मिलता है, ब्रांड डील्स हमें कैसे मिलती है और उसमें हमें कितने पैसे मिलते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डेस्टिनेशन मार्केटिंग, ये सब क्या होता है और इसमें कितने पैसे मिलते हैं, फ्रीलांसिंग क्या है और फ्रीलांसिंग से कैसे कितने पैसे कमाए जा सकते हैं ट्रैवल करते हुए, ब्रांड क्रिएशन कैसे होती है, इंडिया के बाहर पेड इंटर्नशिप्स कैसे मिलेगी, ये तो मैंने बहुत थोड़ी चीज़ों के नाम लिए। इसके अलावा ट्रैवल से रिलेटेड या फिर ट्रैवल से पैसे कमाने से रिलेटेड A to Z जितने भी टॉपिक्स आप सोच सकते हो वो सभी डिटेल में मैंने इस कोर्स में कवर करे हैं।
इस कोर्स को लेने के लिए या फिर दुनिया घूम के पैसे कमाने के लिए आपको किसी भी डिग्री, क्वालिफिकेशन या एजुकेशन की जरूरत नहीं है। डजेंट मैटर कि आप लड़का हो या लड़की, बच्चे हो या बूढ़े, आपको सोशल मीडिया की मदद लेनी है नहीं लेनी, आपको ब्लॉगिंग करनी है या नहीं करनी, तो बेसिकली हर एक इंसान जो सांस लेता है इस कोर्स के जरिए दुनिया घूम के पैसे कमा सकता है। साथ ही कोर्स में मैंने सब अच्छे से समझाया कि भी कैसे शुरू करें, कितना टाइम लगेगा, शुरुआत में कैसे ट्रैवल करना और पैसे कमाने हैं। और यहीं पे आ गया एप्पल फिफ्थ एवेन्यू। ये देखो, ये जो एप्पल स्टोर है ना, ये न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा एप्पल स्टोर है। और हैरानी की बात ये है कि ये ना 24 घंटे खुला रहता है। पिछली बारी जब मैं इससे आईपैड लेके गया था 3 महीने पहले, और ये जो फ़ोन जिससे मैं रिकॉर्डिंग करने लग रहा हूँ, ये फ़ोन भी मैंने इधर से ही ख़रीदा है लास्ट ईयर जब मैं न्यूयॉर्क आया था एप्पल फिफ्थ एवेन्यू से। आज तो मेरे को यूँ लग रहा है सारी यादें ताज़ा होने लग रही है न्यूयॉर्क में मेरी। मोस्टली वही जगह रिविजिट होने लग रही है, रास्ते में आने लग रही है जिधर मैं कुछ ना कुछ करता था। ये देखो, बहुत बड़ा स्टोर है, 7 दिन खुला रहता है हफ्ते में, 24 घंटे, कभी भी आके कुछ भी ले जाओ। तो मैं रात को 11-12 बजे से आईपैड लेके गया था 3 महीने पहले जब मैं लास्ट टाइम न्यूयॉर्क आया था। और सितंबर में जब आईफोन लॉन्च हुआ था तो लॉन्च होती मैंने 14 प्रो भी जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी एप्पल स्टोर से लिया था। मैंने आपको पिछली हर वीडियो में बताया न्यूयॉर्क की कि जो मैनहट्टन है ना वो एवेन्यूज़ और स्ट्रीट्स में डिवाइडेड है। बहुत इजी है हर जगह लोकेट करना। ये जो रोड है ना ये सारे है एवेन्यूज़, ये पैरेलली जैसे फिफ्थ है तो इसके पैरेलल 6 होगा या 4 होगा, और ये है स्ट्रीट्स। तो ये जो स्ट्रीट है ना, इस स्ट्रीट का नाम तो है 59th स्ट्रीट, ईस्ट 59th स्ट्रीट, और ये जो एवेन्यू है ये है फिफ्थ, और सामने वो एप्पल स्टोर, और बिल्कुल स्टोर के पड़ोस में ही न्यूयॉर्क की संडे की सबसे पॉपुलर जगह सेंट्रल पार्क, जिधर अब हम चलेंगे उधर सामने। हैरानी की बात ये कि जो डार्क साइड ऑफ न्यूयॉर्क वाली वीडियो है वो भी मैंने बिल्कुल इधर ही बनाई थी। अब हम चलते हैं सेंट्रल पार्क के अंदर, और इधर ना खूब सारे हॉर्स कैरेजेस है, बहुत महंगे होते हैं भाई, ये गलती से भी मत ले लेना, 6-7 हज़ार रुपये लग जाएंगे 5 मिनट के। कुछ लोग ब्लॉगिंग करके अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं या फिर दुनिया घूमना चाहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना सोशल मीडिया का यूज़ करे या फिर बिना ब्लॉगिंग करे दुनिया घूमना चाहते हैं और इससे पैसे कमाना चाहते हैं। पर चिंता ना करें, मैंने दोनों ही कैटेगरीज को अच्छी तरह कवर करा इस पूरे कोर्स में। तो चाहे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ना बनना चाहते हो, चाहे आप इंडिया के अंदर घूमना चाहते हो या इंडिया के बाहर इंटरनेशनली घूमना चाहते हो, दोनों ही केसेस में इस कोर्स की मदद से आप दुनिया घूम के पैसे कमा सकते हो। इस कोर्स को बनाने में मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और इसी वजह से इस कोर्स को मैंने पेड रखा है। लेकिन सच बताऊँ ना तो जो नॉलेज आपको मिलने वाली है ना इस कोर्स से और जो इस कोर्स की कीमत है उससे कंपेयर करी से तो वो कुछ भी नहीं है। अगर मैं इस कोर्स को इंडिया से बाहर बेचता ना तो इसकी कीमत मैं 20-30 हज़ार रुपये रखता है एटलीस्ट। लेकिन अपनी इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स की कीमत मैंने सिर्फ 2 हज़ार रुपये रखी है, और जो शुरू के 300 एनरोलमेंट्स होंगे उनके लिए और भी सस्ता है, यानी कि सिर्फ 999 रुपये में। अभी ये कोर्स मेरी वेबसाइट पर लाइव है, आप में से किसी को भी इस कोर्स में एनरोल करना हो तो आप www.passengerparami.com पर जाके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट और कोर्स का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिया होगा। कोर्स की लैंग्वेज हिंदी है विद इंग्लिश सबटाइटल्स। और कोर्स में मैं यूँ नहीं सिखा रहा कि भी सस्ते में कैसे घूमें या फिर बजट में कैसे घूमें, मैं तो कहता हूँ खुल के घूमो, जहाँ मन करे वहाँ जाओ, अमेरिका जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, टाइम्स स्क्वायर घूमो, पेरिस जाओ, आईफिल टावर देखो, यूरोप जाओ, जहाँ मन करे वहाँ जाओ, इतने पैसे कमाओ कि बजट में ट्रैवल करना ही ना पड़े। और फिर भी अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो भी इस कोर्स से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। जो सभी लोग कोर्स खरीदेंगे उनके साथ मैं एक टेलीग्राम ग्रुप या फिर ईमेल से कनेक्टेड रहूँगा, हम टाइम टू टाइम लाइव वीडियो कॉल सेशंस भी कर सकते हैं या फिर फिजिकली ग्रुप मीटिंग्स भी कर सकते हैं, ताकि आपके मन में कोई और भी डाउट हो तो मैं सॉल्व कर सकूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका खर्चा हुआ एक एक कीमती रुपया इस कोर्स के लिए पूरी अच्छी तरह से वसूल हो। हालांकि मैंने चैनल पर अभी तक कोई अलग से वीडियो नहीं डाली थी, लेकिन कल परसों में ही मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया था, और जितने भी लोगों ने कोर्स खरीदा किसी एक सिंगल आदमी का भी नेगेटिव फीडबैक नहीं आया। हर आदमी ये कह रहा है कि भी इस प्राइस में जो नॉलेज दी है वो बहुत ज़्यादा है और जो कोर्स की कीमत है दैट इज़ डर्ट चीप, और ये कि भी मुझे कीमत बढ़ा देनी चाहिए। लेकिन मेरा प्राइमरी मोटिव पैसे कमाना है नहीं, लोगों को एजुकेट करना है, इंडियन ऑडियंस को एजुकेट करना है। और मैं तो ये मानता हूँ कि एक तरह से मुफ्त जैसा ही रेट है इसका, अंदर का जो कोर्स कंटेंट है उसे देखते हुए। आप लोग शायद ये भी सोच रहे हो कि भी मैं फ्री में ही लॉन्च कर देता है, फिर बिल्कुल ही मुफ्त में लॉन्च कर देता, पर थोड़ा सा आप भी समझो, अब मैं सिर्फ अपने लिए ट्रैवल नहीं करता, अब मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा कॉन्टेंट बनाने के लिए भी ट्रैवल करता हूँ, और उसे सस्टेन करने के लिए भी खर्चा लगता है। एंड आई एम श्योर मैं ऑलरेडी चैनल पर इतनी सारी बातें मुफ्त में ही बता चुका हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगी होंगी, और आगे भी मैं ऐसी यूज़फुल बातें बताता रहूँगा। बाकी 1000 रुपये का कोर्स बेच के लाखों करोड़ों के ट्रैवल के खर्चे तो वैसे भी पूरी तरह से नहीं निकलने वाले। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि एक सिंगल इंसान भी ये नहीं कह सकता कि भी ये जो कोर्स है ये वर्थ इट नहीं था या फिर यूज़फुल नहीं था। जितने भी लोग ये कोर्स खरीदते हैं उसमें से प्रिसाइजली 100% लोग इस कोर्स से बेनिफिट करने वाले। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे में भरोसा दिखाएंगे और मेरी मेहनत और इस कोर्स को अप्रिशिएट करेंगे। और अगर आपको भी शौक है दुनिया घूमने का तो इस कोर्स की मदद से आप दुनिया तो घूमेंगे ही घूमेंगे और साथ ही साथ घूम के पैसे भी कमा पाएंगे, और मेरी तरह आप भी अपनी ड्रीम लाइफ जी पाएंगे।
और इसीलिए डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट से मेरी वेबसाइट पे जाके मेरे कोर्स में एनरोल करना ना भूलिएगा, हाउ टू गेट पेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड, जिससे मेरी तरह आप भी अपने सपने पूरे कर सके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद।